रीवा के तेउथर से इस वक्त की बड़ी खबर। जनेह थाना के गढ़ी चौकी क्षेत्र अंतर्गत विद्यालय से घर लौट रही 10 वर्षीय मासूम छात्रा के साथ अज्ञात बाइक सवारों ने दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। घर से कुछ ही दूरी पर अज्ञात बाइक सवारों ने घर छोड़ने हेतु बहला फुसलाकर पहले बाइक में बैठाया एवं चंद्रपुर के पास जाकर घटना को दिया अंजाम। वहीं छात्र के साथ हुई यह घटना कल दोपहर में घटित होना बताया जा रहा है, जहां घटनाक्रम की जानकारी लगते ही वरिष्ठ अधिकारियों की दिशा निर्देश पर जनेह पुलिस द्वारा बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है और अज्ञात आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए आगे की कार्यवाही में जुटी है। बता दें कि उक्त कृत्य से स्थानीय लोगों में भी भारी आक्रोश बना हुआ है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई हेतु मांग हो रही है। 9 बजे करीबन बच्चे गए थे पेपर देने, इनका 9 से 11 का पेपर था। पेपर दे के लौट रहे थे तो गढ़ी नदी के पास बघवारी बगीचा है, वहाँ पे एक बाइक सवार आया और इनको बोला आप कहाँ जाओगे, तो बोले दत्तोपुर के, तो बोले वहाँ तो हमको भी चलना है। उसने बाइक में बैठा लिया, आगे आता है एक और लड़का मिला, वो भी बैठ लिया गाड़ी में, 2 बच्चे थे, दोनों को बैठा के चंदपुर ले गए। चंदपुर से वो खजुरिया भमराटी है, वहाँ बहरा है, एक तो चंदपुर में उतर गया और एक लेके गया खजुरिया जो कि भमराटी है, वहाँ पे बच्ची के साथ गलत हरकत किया। हरकत करने के बाद बच्ची जैसी भी कोई दिखा होगा, अकेला था, उसने छोड़ा तो बच्ची छूटी, तो ये रोड में दौड़ रहे थे, तो कोई अपने गांव आसपास का लड़का निकला तो वो लेके इनको पूछा, तो ये लोग बताए तो उनको पहुंचाया। ये कब की घटना है? ये कल की घटना है। बच्ची कैसे बैठ गई उसके साथ? बच्ची को ने फुफलाया कि आप कहाँ जाती हैं, तो बोले दत्तोपुर के हैं, बोले हमको भी दत्तोपुर गांव चलना है। तो एक बच्ची एक बच्चा था। बच्चा किसका है? बच्चा बगल में